नमस्कार, मैं हूँ स्वाति रायना। 500 रुपए सुनने में बहुत कम लगते हैं ना? 500 रुपए का नोट हम यूं ही चुटकियों में खर्च कर देते हैं, पर यही 500 रुपए अगर आप नियमित रूप से निवेश करें तो बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निवेश के ऐसे 5 विकल्प जहां पर 500 या फिर 500 रुपए से भी कम में निवेश शुरू किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, म्यूचुअल फंड, जिसमें आप मात्र 500 रुपए की SIP से शुरुआत कर सकते हैं। और उसमें भी खास तौर पर इक्विटी फंड में लंबे समय का निवेश 500 रुपए को भी लाखों में बना सकता है। पर ध्यान रखना है कि ये निवेश जारी रहे। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई भी निवेश कर सकता है और आप निवेश को चाहे तो कितना भी बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ 500 रुपए का नियमित निवेश अगर 10% की दर से भी बढ़ता है तो 15 साल में ये बढ़कर 2,00,000 रुपए हो जाता है। मतलब आपके कुल 90,000 के इन्वेस्टमेंट पर आपको 1,10,000 का फायदा। ये तो हमने छोटी सी रकम की बात की है, लेकिन आप रकम जितनी बढ़ाते चले जाएंगे और जितनी आपकी लंबी अवधि रहेगी उतना बड़ा कॉर्पस आपके लिए इकट्ठा होगा। और इसका एक और फायदा है, आप कहीं पर भी कहीं से भी बहुत आराम से इसमें ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स की, और इसमें सबसे पसंदीदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसे कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, इसमें आप मिनिमम 500 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। PPF की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 1,50,000 रुपए तक के सालाना निवेश पर आपको ATC का बेनिफिट मिलता है, और PPF में भी कोई निवेश कर सकता है। यहां तक कि आप अपने बच्चे के नाम पर जो कि माइनर है उसके नाम पर भी PPF अकाउंट खोल सकते हैं। अभी ताजे समय की बात करें तो PPF पर अभी 7.1% का इंटरेस्ट है, और अकाउंट खोलना बेहद आसान है। अपने पास ही के बैंक में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं PPF का, या फिर बेस्ट आजकल के टाइम के हिसाब से ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग के जरिए आसानी से एक PPF अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरी जो काफ़ी पॉपुलर योजना है वो है सुकन्या समृद्धि योजना, एक ऐसी स्कीम जहां पर आप 500 रुपए से भी कम रकम से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में मात्र 250 रुपए निवेश से शुरुआत की जा सकती है, और इसमें भी 1,50,000 रुपए तक के सालाना निवेश पर आपको ATC का बेनिफिट मिलता है। इसकी खासियत यह है कि 10 साल से कम उम्र की 2 बेटियों के लिए भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें 21 साल तक की मैच्योरिटी होती है, और अगर बेटी के 18 साल होने पर उसकी हायर एजुकेशन के लिए आपको कुछ रकम चाहिए तो अपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट से 50% तक रकम निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि में अभी 7.6% का ब्याज मिल रहा है, जो बाकी तमाम स्मॉल सेविंग स्कीम्स में मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा ब्याज है। सुकन्या समृद्धि को आप कैसे खोल सकते हैं? अकाउंट को आप नज़दीकी बैंक में जाकर आपको खोलना पड़ेगा। अकाउंट खुलने के बाद आप इसे ऑनलाइन ऑपरेट कर सकते हैं और इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अब बात करते हैं एक और स्कीम की जिसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC। ये एक और बेहतरीन स्कीम है जहां पर बहुत ही कम रकम से आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आप 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़ के सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और इस स्कीम में भी कोई भी निवेश कर सकता है, यहां तक कि आप अपने बच्चों के नाम पर भी NSC अकाउंट खोल सकते हैं। पर जो इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, सिर्फ 5 साल के लिए आप NSC में निवेश कर सकते हैं, और मौजूदा वक्त में इस पर आपको 6.8% ब्याज मिल रहा है। एक और बात, इसे 2 लोग मिलकर भी खोल सकते हैं, और इस पर भी आपको ATC का टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की, जिसमें आप 500 रुपए निवेश करके ये अकाउंट खोल सकते हैं। इस पर टैक्स का गणित यह है कि 10,000 रुपए तक का ब्याज आपके लिए टैक्स फ्री है। खास बात, बच्चे के नाम पर अकाउंट खोला जा सकता है, और 10 साल के बाद बच्चा अपना अकाउंट खुद ऑपरेट भी कर सकता है। पर जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा उस दौरान आपको अकाउंट को कन्वर्ट कराना होगा, फिर इसे नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की तरह आपका बच्चा ऑपरेट कर सकता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में 4% इंटरेस्ट इस वक्त मिल रहा है।
तो कुछ छोटे छोटे ऐसे कदम हैं जिससे आप निवेश के सफर को आगे बढ़ा सकते हैं, पर जैसे जैसे आप अपने इस निवेश के सफर में आगे बढ़ते चले जाएं, इस सफर में अपने लक्ष्य तय करें, फिर निवेश राशि को बढ़ाकर अपने लक्ष्य की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं, और जितना ज़्यादा निवेश उतना ज़्यादा फायदा आपको लंबे वक्त के लिए ज़रूर मिलेगा। छोटे से प्रयास से लेकिन आपको इसकी शुरुआत ज़रूर करनी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।